hi students how are you i hope you are good and you are doing well i am usha yadav i welcome you all on my youtube channel usha classes so students today we will continue a topic that is compound interest and i hope you have watched the part 1 of the compound interest and you got the idea how to solve the questions how to approach the questions you will learn more in this video so let's get started without wasting the time so the question is you can see the question on the board is what is ci on सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट दो स्टूडेंट्स हु आर फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो माई रिक्वेस्ट टू यू स्टूडेंट्स गो फर्स्ट वॉच द पार्ट वन देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर ओके सो स्टूडेंट्स सी आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए पूछा गया भाई फट तीन साल के लिए अभी तो हमें पता चल गया जिन्होंने पढ़ लिया है उनको तो आगे आ गए समझ में तीन साल के लिए पूछा गया है और ये चालीस ऑन ऑन मतलब किस पे पूछा गया है हमारे पास कितना है चालीस हजार पाँच सौ ये क्या है मेरे पास प्रिंसिपल दिस इज वॉट प्रिंसिपल दिस इज वॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज द टाइम पीरियड हमको पता है इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे हमारे पास थ्री ईयर्स के लिए मैंने आपको कल भी समझाया था तो थ्री ईयर्स के लिए मैंने बताया था क्या लिख लेंगे थ्री थ्री वन क्या लिख लेंगे मैं थोड़ा गैप बना देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे थ्री थ्री वन गॉट इट थ्री थ्री वन क्योंकि तीन साल के लिए इलेवन का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास थ्री थ्री वन हो जाएगा अभी इसमें क्या करेंगे प्रिंसिपल का कितना परसेंट निकाला है सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट यहाँ पर जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी वो क्या आएगी वो हमारे पास फोर्टी फाइव थाउजेंड का फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड का कितना सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट इतना परसेंट जब आप निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा भाई हमारे पास आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई कर लेना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टू फाइव थ्री वन पॉइंट टू फाइव कितना आंसर आएगा टू फाइव थ्री वन पॉइंट टू फाइव कितना आ जाएगा टू फाइव थ्री वन पॉइंट टू फाइव आ जाएगा हमारे पास हाँ यही आएगा हमारे पास टू फाइव थ्री वन पॉइंट टू फाइव ठीक है अब इसका फाइव परसेंट इसका कितना निकालेंगे फिर से इसका क्या निकालेंगे इसका निकालेंगे क्या इसका क्या निकालेंगे इसका भी हम निकालेंगे इसका निकालेंगे अगेन हम सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट कितना सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जब इसका निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा वन फिफ्टी एट पॉइंट टू कितना आ जाएगा वन फिफ्टी एट पॉइंट टू आ जाएगा ठीक है यहाँ से तो हम क्या करेंगे इस वाली टर्म को इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे अगेन इसका निकालेंगे कितना यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीन साल के लिए पूछा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका अगेन सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट निकालेंगे हर बार टू पॉइंट फाइव परसेंट इसका निकालना है ठीक है तो ये प्रिंसिपल बन जाता है क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है जो इनिशियल अमाउंट होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है इसलिए चेंज होता है ठीक है सेम प्रिंसिपल नहीं रहता स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर रहता है उसके बाद इंटरेस्ट ऐड होकर फिर से हमारे पास न्यू बन जाता है इसलिए हम बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं न्यू वैल्यू पे तो फर्दर हम इसका निकालेंगे सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट तो कितना आएगा नाइन पॉइंट एट एट सेवन फाइव कितना आ जाएगा नाइन पॉइंट एट एट सेवन फाइव हमारे पास ये आ जाएगा अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इन सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो इनको इनको मल्टीप्लाई करो आपस में मल्टीप्लाई करो तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों डब्बों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा भाई सेवेंटी फाइव नाइन्टी थ्री सेवेंटी फाइव नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से फिर मैं यहाँ से ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास भाई मैंने ये कैलकुलेट किया था ताकि कम टाइम लगे वरना मैं यहाँ पे सोल्व करना है सोल्व तो आप खुद भी कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है फिर उसके बाद इसको वन टाइम सोल्व करेंगे तो नाइन पॉइंट एट एट सेवन फाइव आएगा जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे सेवेंटी फाइव नाइन्टी थ्री मैं मैच कर लेती हूँ सेवेंटी फाइव नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव है फोर सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्स जीरो है और नाइन पॉइंट एट एट सेवन फाइव है तो कैलकुलेशन अभी मैं इसको पूरा सोल्व करती इसी में पूरी वीडियो चली जाती ठीक है तो बेटर है इसको मैंने पहले सोल्व किया ताकि आपके और ज़्यादा क्वेश्चन हो सके इन सभी को आप जब ऐड करेंगे ना आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना कितना आएगा आ, उसका आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा एटी सेवेंटी एट पॉइंट टू फाइव करके आएगा आगे भी पॉइंट्स हैं इतने रुपीज़ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो एक्चुअली में देख लीजिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है भाई यहाँ पे सेवेंटी एटी टू दे रखा है एटी सेवेंटी एट है लेकिन अप्रॉक्सीमेट ए पी पी ओ एक्स आर ओ एक्स का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट इसको जब मैं अप्रॉक्सीमेट लूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा एट्टी सेवेंटी एट क्योंकि ये टू है टू अगर ये मोर देन फाइव होता तो ये सेवन एट्टी सेवेंटी नाइन और इसमें एक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं बेहतर ऑप्शन मेरे पास यही है ऑप्शन नंबर बी जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट्स आपने जो पहला क्वेश्चन किया जिस ने तो ये वाला क्वेश्चन उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा तो इसी तरह आप और क्वेश्चन करते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं लेट्स मूव स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी ही लग रही है सॉल्यूशन देखना बहुत ही इजी है इतना इजी सॉल्यूशन है बहुत ही आ, और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स ना कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करते हैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं इनको बस स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए स्टेटमेंट देखने में बड़ी लग रही है देखो हम कैसे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को मिस्टर बत्रा मिस्टर बत्रा इन्वेस्टेड पार्ट ऑफ मनी इन ए स्कीम मिस्टर बत्रा कोई पर्सन है उसने अपने कुछ पैसा था उसके पास उसका कुछ हिस्सा किसी स्कीम के अंदर डाल दिया ठीक है ही रिसीव्ड थ्री परसेंट थ्री परसेंट मिलता है फोर परसेंट मिलता है फाइव परसेंट इंटरेस्ट मिलता है इन फर्स्ट थ्री ईयर्स रेस्पेक्टिवली का मतलब हमारे पास यहाँ होता है पहले साल उसको तीन परसेंट इंटरेस्ट मिलता है दूसरे साल उसको सेकेंड ईयर उसको फोर परसेंट मिलता है थर्ड ईयर उसको मिलता है फाइव परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है हीर इन्वेस्ट उसको कुछ इन्वेस्ट मिला अब उसने क्या किया जो री इन्वेस्ट कर दिया उसने वापस से इन्वेस्ट कर दिया उस रिटर्न जो उसको पैसा रिटर्न में मिला था ना उसको जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको वापस से किसी स्कीम के अंदर डाल दिया और फाइनली फिर उसको मिला कितना इतना पैसा कितना चवालीस हज़ार निन्यानवे ठीक है चवालीस चार हज़ार चार सौ निन्यानवे सॉरी चार हज़ार चार सौ निन्यानवे उसको पैसा मिला फाइनली uh, उसको इतना पैसा मिला भाई उसने एक बार इंटरेस्ट लिया फिर वापस से री कर दिया तो फाइनली उसको पैसा मिला कितना उसको पैसा मिला है हमारे पास फोर ये पैसा मिला एट द एंड ऑफ थ्री एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स तो हमसे पूछा गया कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी यहाँ पे उसको फाइनली पैसा मिला है फाइनली उसको पैसा मिला लेट लेटर सपोज देखो मैं बताती हूँ कैसे पैसा मिला है सपोज आप बैंक में गए आपने पैसा जमा करवाएगा कुछ जमा करवाया होगा ठीक है उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला थ्री परसेंट फोर परसेंट फाइव परसेंट ठीक है उसके बाद आपको फाइनली आपको तीन साल बाद कितना पैसा आपने निकाला वहाँ से स्कीम में से वहाँ से आपने मिला ना इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है इस, इसका मतलब ये हुआ एट द एंड में आपने रिसीव कितना किया यहाँ पे अमाउंट है दिस इज़ वॉट द अमाउंट टोटल अमाउंट क्या होता है इसमें प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है यहाँ पे कौन सा है कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड है भाई इसने हर साल नया नया रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो हमें इसको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे ठीक है तो हमारे पास एक्चुअल में अमाउंट उसको फाइनली इतनी अमाउंट मिली है कितनी इतनी अमाउंट मिली है अमाउंट का यहाँ का इसका मतलब क्या हुआ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो कुछ पैसे इसने लगाया होगा उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके फाइनली इसको इतना पैसा मिल गया फर्स्ट वन रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर कितनी दी गई थ्री परसेंट सेकेंड ईयर दी गई हमारे पास फोर परसेंट थर्ड ईयर दी गई हमारे पास फाइव परसेंट नगा दो फार्मूला अमाउंट का फॉर्मूला तो आता ही मैंने सिखा रखा है काफ़ी जगह मैंने बताया था फॉर्मूला ईजी रहता है तो प्रिंसिपल हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल आर वन बाई हंड्रेड तीन साल हो गया ना अलग अलग रेट लग रही है इसलिए आर टू बाई हंड्रेड अलग अलग ओपन करके लिखेंगे प्लस आर थ्री बाई हंड्रेड तीन साल का हो गया हो गया फॉर्मूला यही ठीक है तो अमाउंट कितनी है भाई लिख दीजिए अमाउंट कितनी है यहाँ पे अमाउंट है मेरे पास फोर फोर नाइन नाइन पॉइंट जीरो फोर ठीक है इक्वल प्रिंसिपल हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर कितनी है तीन परसेंट तीन परसेंट मैंने थ्री बाई हंड्रेड यहाँ से कितना आ जाएगा फोर परसेंट मैंने वन प्लस फोर बाई हंड्रेड यहाँ से कितना आ जाएगा वन ये सब तो मैं आपको ऐसे पूरा खोल के ऐसे डीप में ओपन करके दिखा रही हूँ कि हाँ हम इस तरह से इनको सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को लेकिन आपको इतना सब डीप में सोल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती है ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत थोड़ी को मार्क्स थोड़ी ना मिल रहे हैं फॉर्मूला लिखने के नहीं ना हमको दिमाग में होना चाहिए लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि हाँ ऐसे भी होता है नाइन नाइन पॉइंट जीरो फोर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी अब आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हंड्रेड ये वन प्लस थ्री बाई हंड्रेड कितना होता है हंड्रेड एलसीएम लेंगे तो एक सौ तीन बटे कितना जाएगा? 100 आ जाएगा, जाएगा? हंड्रेड आ, तो आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन बाई ट्वेंटी फाइव कितना ट्वेंटी फाइव आएगा तो ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव आ जाएगा एलसीएम लिया यहाँ पे वन प्लस वन बाई ट्वेंटी कितना होगा हमारे पास एलसीएम लेंगे तो ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी अब आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे कुछ मत करो भाई मैं इस पूरा इसको क्या करो प्रिंसिपल निकालना है पूरा ये हाँ ये यह डिनोमिनेटर वाली चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी डिनोमिनेटर वाली हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी और जो डिनोम में थी वो क्या बन जाएगी डिनोमिनेटर में नोमरेटर में एक सौ तीन छब्बीस इक्कीस डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा एक सौ तीन छब्बीस और इक्कीस जब आप इसको सिम्प्लीफाई यहाँ आपसे अब कुछ भी नहीं बचा देखो ये क्या है इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई हंड्रेड आ जाएगा ये इससे कैंसिल हो गया हो गया हो गया उसके बाद हमारे पास क्या है हमारे पास इसको सिंपल सिंप्लीफाई करना है इसको कुछ भी नहीं करना इसको जब आप पूरे को सिम्पलीफाई करेंगे ना आप पूरा सॉल्व करना मेरे स्टूडेंट्स इतना मुझे कॉन्फिडेंट है मेरे स्टूडेंट्स भी जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं साथ क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल यहाँ से आ जाए जब इसको आप सोल्व करेंगे ना तो आंसर आपका कितना आएगा फोर थाउजेंड कितना आएगा फोर थाउजेंड विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी क्योंकि मैंने तो ये सॉल्व कर लिया है एक बार आपको चेक करना है कि क्या आप सॉल्व कर पाते नहीं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट आप सॉल्व कर पाएंगे तो सॉल्व करना छोटी सी बात आप सभी के लिए कुछ भी नहीं था इसमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था अलग अलग लिया सॉल्व कर दिया सिंपल फॉर्मुल लगा के तो हमारे पास ये आ गया दूसरा तरीका भी उसमें भी सेम ही है सेम कॉन्सेप्ट है सेम कुछ भी नहीं है तो मेरे को यही बेस्ट लगता है इसमें लगाना तो मैंने आपको ये समझा दिया तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर क्वेश्चन इज गिवन टू अस इज़ प्राइस ऑफ एल ई डी टी वी इज़ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ हमें कितना दिया एक प्राइस दिया है एल ई डी टी वी है उसका प्राइस कितना दिया हुआ है फिफ्टी थाउजेंड ठीक है उसमें नेक्स्ट हमें क्या बोला है फाइव परसेंट डप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि, कि किसी चीज़ में गिरावट होना जैसे आप कोई भी मशीनरी खरीदते हैं भाई ऐसा तो है नहीं जो खरीदेंगे हमें वहीं पर रहें वहीं रहने वाला है उसका तो क्या है उसमें हर हर साल उसमें कुछ तो गिरावट होती होगी कुछ तो कमी आती होगी हमेशा उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत तो रहती ही है तो हमारे पास क्या हो गया फ़ाइव परसेंट से उसमें गिरावट हो रही है ऐसी एक्सपेक्ट किया गया है ऐसा क्या गया है एक्सपेक्ट किया गया है उसकी वैल्यू में कि हमने पचास हज़ार का ख़रीदा था पाँच परसेंट से उसमें गिरावट हो सकती है कि भाई उसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान है यूज़ करेंगे गिरावट तो आएगी उसमें उसमें कुछ ना कुछ ख़राबी होती जाएगी हर साल ऐसा तो है नहीं जैसा खरीदेंगे वैसा ही रहने वाला है हर साल नहीं एवरी ईयर बोला गया है ऐसा क्वेश्चन आपको पहले मैं करा चुकी हूँ परसेंटेज के अंदर तो आई होप जिनको आता होगा वो कर चुके होंगे जिनको नहीं आता तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर टू ईयर्स दो साल बाद भाई उस एल ई डी टी वी का क्या प्राइस रह जाएगा सिंपल क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है जो इनिशियल अमाउंट कितनी दे रखी हुई प्राइस ऑफ एलईडी कितना है फिफ्टी थाउजेंड कितना है फिफ्टी थाउजेंड और रेट कितने रेट से उसमें गिरावट हो रही है फाइव परसेंट से कितने साल के लिए दो साल हर साल गिरावट होती है पाँच परसेंट की तो दो साल में कितनी हो जाएगी आप नेट इफेक्ट निकाल ट्वेंटी वन परसेंट का हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई ट्वेंटी वन परसेंट का गिरावट हो जाएगा आप वैसे नहीं करना चाहिए दूसरे तरीके से मैं बता देती हूँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है सिंपल कितना हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है कि फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल इंटू में वन प्लस माइनस रेट वाई हंड्रेड और टाइम पीरियड अब प्लस तो होता है मेरे पास ग्रोथ के लिए ये तो होता है मेरे पास ग्रोथ हो रही हो इंक्रीमेंट हो रहा हो और माइनस फोर डिक्रीमेंट या फिर डिक्रीज हो रहा हो डिप्रिशिएशन हो रहा हो माइनस उसके लिए तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे आप बता दीजिए कौन सा लेंगे आप लेंगे यहाँ पे माइनस कौन सा क्योंकि डिप्रिशिएशन हो रहा है डेप्रीशिएशन ले रहा था हम फार्मूले में क्या लेंगे माइनस लेंगे ठीक है तो मेरे पास इनिशियल मेरे को अमाउंट दे रखी है कितनी इनिशियल दे रखी है मेरे को फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड मेरे को इनिशियल अमाउंट दे रखी है वन माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है पाँच परसेंट पाँच परसेंट मैं फाइव बाई हंड्रेड कितने साल के लिए भाई दो साल के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लो वन बाई ट्वेंटी आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड इंटू में वन माइनस वन बाई ट्वेंटी कितना हुआ नाइनटीन बाई ट्वेंटी फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से निकाल सकते हैं फिफ्टी थाउजेंट इंटू में नाइन्टीन बाई ट्वेंटी और नाइनटीन बाई ट्वेंटी आप इसको सोल्व कर लीजिए बस अब तो कुछ बचा ही नहीं और ये कितना हो गया पच्चीस पच्चीस पंद्रह एक सौ पच्चीस इंटू में नाइनटीन थ्री सिक्सटी वन होता है तो फाइनल वैल्यू नाइनटीन का स्क्वायर हो गया ना तो ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सिक्सटी वन करेंगे ना आप जब आप इसको सोल्व करेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा वो देख लीजिए फोर फाइव वन टू फाइव विल बी द राइट आंसर कितना आंसर आ जाएगा फाइव वन टू फाइव तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई पचास हजार में खरीदा था दो साल बाद आप, आपका जो एल ई है ना उसका रेट कितना बच जाएगा भाई पैंतालीस हजार एक सौ पच्चीस रुपए क्योंकि उसमें गिरावट हुई है कितने की पांच परसेंट की हर साल हुई है कितने साल तक दो साल तक हुई है तो हमने अपना सिंपल फॉर्मूला लगा दिया ये तो, तो इतने सारे स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती है ये लिखा फिर ये लिखा सीधा आपके दिमाग में ये वाला स्टेप आना चाहिए था ये वाला स्टेप और उसके बाद सीधा ये वाला टू स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा हालांकि थ्री स्टेप्स एक्स्ट्रा आपको लिख के दिखाएं ताकि आपको भाई काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता तो उनके लिए बताना पड़ता है तो पुराने वाले स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि बार 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 नहीं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आपको ही पता है भाई उनको नहीं पढ़ा तो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो हमें सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ता है ताकि सभी को समझ में आए तो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो आज करवाएँ आज के समझ में आए होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे आपके लिए और नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इन पे अपनी कमांड बनाइए ठीक है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए ऐसे पढ़ते रहिए बाय बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय